दो वर्ड को ये कर दी गई, ये कहां तक जायज है, ये कोर्ट को देखना है। और द प्लेस ओनरशिप प्रिजर्वेशन एक्ट नंबर 42/1991 का सेक्शन 2(c) और 3 वो क्लियर है के 15 अगस्त 1947 को इंडिया के अंदर जितने भी रिलीजियस प्लेसेस एग्जिस्ट कर रहे थे, उन प्लेसेस की पोजीशन आफ्टर पासिंग दी एक्ट एज इट इज रहेगी, एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद को उन्होंने उस परिव्यू से बाहर रखा। इसके अलावा समय समय पर जो हिस्टोरियन हुए हैं, हिस्टोरिकल हिस्टोरियन, उन्होंने जो अपनी बुक्स लिखी हैं इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर, अजमेर की हिस्ट्री के ऊपर, अजमेर मेवाड़ की हिस्ट्री के ऊपर कई किताबें हैं, जितने राजा राणा सांगा जी का यहाँ पर वो हुआ, बाबर जब आया, मुगल जाने जब आए तो वो आए 1526 के अंदर, और गरीब नवाज रहमतुल्लाह की तशरीफ काफी हुई 1195 के अंदर, उनकी डेथ कब हुई 1237 के अंदर, मुगल कब आते हैं 1526 के अंदर, कितने साल का फर्क है। तो मुगलों ने यहां आकर के कुछ नहीं किया है, जो ये कंट्रोवर्सी की जाती है मुगलों ने कर दिया या मुगलों के वंशज हैं तो उन वंशजों से बात करो, हम ख्वाहिश साहब के वंशज हैं, हम अपने हिसाब से जवाब देंगे, उनके मजारात से यहाँ की दरगाह का कोई ताल्लुक नहीं है, उनके मजारात के ऊपर कोई नहीं जाता। ये सूफी सेंट जितने भी इंडिया के अंदर कर रहे हैं दरगाह, दिल्ली के अंदर कितनी दरगाह है, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह, कुतुबशाह रहमतुल्लाह, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह, बाकर बिल्ला रहमतुल्लाह है, उनके मजारात पे क्यों जाते हैं लोग। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, वो बहुत बड़ा जासूस था अपने वक्त का, उसने लिखा है कि मैं हिंदुस्तान के कई स्टेट के अंदर जाने का मेरे को मौका मिला, लेकिन जब मैं अजमेर मेवाड़ स्टेट के अंदर गया तो मैं वहां क्या देखता हूं कि एक कब्र लोगों के दिलों के ऊपर हुकूमत कर रही है, किताब में लिखा है उसने। और आज क्या है, लाखों हजारों परदेसी, हर मजहब व मिल्लत का आदमी, किसी भी धर्म का वो मानने वाला हो, वो आता है यहां पर। टिंकू अब्दुल रहमान जो मलेशिया का किंग था, 1962 के अंदर उसको वहां पर सपना आता है, ख्वाब आता है, उसको कोई परेशानी थी, उस परेशानी को लेकर के अजमेर की दरगाह उसको दिखाई गई कि वहां जाओ, वहां जाके मानो। तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको मैसेज किया, हमने यहाँ इंतजाम हुआ, नसीरुद्दीन जो फिल्म एक्टर है उसके बाप आले मोहम्मद शाह यहाँ पर नाजिम थे, UPSC से फर्स्ट नाजिम वो बने थे, उनको यहाँ मैसेज हुआ, वो बाकायदा यहाँ पर आए, यहाँ रिसीव किया, दरगाह शरीफ में गए, फातिहा पढ़ी, जो भी उनको अपनी रस्म करनी थी वो करी, आखिर दिन उनको नमाज पढ़ने का मौका मिला, असर का हो गया था। तो जैसे वो शाहजहाँ मस्जिद में गए, उनको जो पब्लिक जो है नमाजी, बहुत से जूते अपने वहीं दीवार के सारे रख देती है, वहाँ उनको वहाँ जगह मिली, तो वहाँ के प्रशासन ने जो उनके साथ आया था उन्होंने कहा कि ये किंग है वो है, तो किंग ने खुद में रोका कि ये अल्लाह का घर है, मेरे को जहां जगह मिलेगी उस जगह खड़े होकर के नमाज पढ़ूंगा, जूतों की उन्होंने परवाह नहीं की। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि आज यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, गंगा जमुनी तहजीब तो देखने को मिल रही है, ये वो गहवारा है कि यहां से हर उसका बेसिक कॉज ये है कि जो अभी दरगाह को लेकर कंट्रोवर्सी बनी हुई है और भ्रांति की बयान जो हैं वेरियस चैनल्स पे और उस पर आ रहे हैं, उसको देख करके मेरे को खुद मंजर आम पर आना पड़ा कि एक्चुअल पोजीशन आप लोगों के नोटिस में ला दी जाए, ताकि ये जो बयान आ रहे हैं इसके ऊपर अंकुश लग सके, और जो वस्तु स्थिति है और जो सही हिस्ट्री है वो पब्लिक के नोटिस के अंदर पब्लिक के सामने आ जाए। अभी थोड़ी देर की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने संभल को लेकर के जो ऑर्डर पारित किया है उसके लिए मैं भूरी प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और लोगों से ये अपील करता हूँ कि वो इस आधार पे हम नौ शांति बनाए रखें
और अपनी ओर से ऐसा कोई काम नहीं करें कि जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हो। हमारे पास लीगल अधिकार हैं, हम कोर्ट में जाएं, देख लो कोर्ट ने हमारी बात को माना, एक्सेप्ट किया और ऑर्डर पारित किए हैं। इसी तरह से अजमेर की दरगाह के सिलसिले के अंदर ये कंट्रोवर्सी की गई है कि हरबिलास शारदा साहब की किताब है, ये 1910 में लिखी गई, 1920 में इसका रीएडिशन हुआ, 1940 में फिर इसका हुआ। उसके अंदर पेज नंबर 92 पे बिल्कुल क्लियर कट वर्डिंग्स हैं। हरबिलास शारदा साहब हिस्टोरियन नहीं है, नंबर एक वो एक एजुकेटेड आदमी थे, उन्होंने अपनी नॉलेज के हिसाब से जो उनके जानकारी के अंदर आई उस वक्त कब 1910 में, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट ये दिया हुआ है कि ट्रेडिशन सेज, ट्रेडिशन का मतलब क्या होगा, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है, ट्रेडिशन सेज, बस इस वर्ड के ऊपर ही आ रहा हूं मैं और कुछ नहीं। बाकी जो उसको कहना है वादी को उसने कोर्ट में कह दिया, हम जो कुछ भी जवाब देंगे वो कोर्ट के अंदर देंगे और लीगल वे के अंदर देंगे। हमारी भी एडवोकेट्स का पैनल है, अजमेर का अलग है, हाई कोर्ट का अलग है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है, हम उनसे चैनल बनाए हुए हैं, हो सकता है वो आ जाए यहाँ पर। इसी दरगाह का जो 800 साल का इतिहास है, जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह का एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास कर रही थी, एक्ट नंबर 36 1955, उससे पहले 1950 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस गुलाम हसन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया और दरगाह के माल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के उसके ऊपर इंक्वायरी की। उसके अंदर जब उन्होंने यहां आकर के पूरी जानकारी ली, खोजबीन की, मालूमात की, डॉक्यूमेंट्स देके और पुराने दस्तावेज की रोशनी के अंदर उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पटल पे है 1950 की। ये इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट है, ये इसका लेना चाहे आप फोटो ले सकते हैं। इसका पेज नंबर 18 के ऊपर बिल्कुल क्लियर कट वर्डिंग्स हैं कि उस जमाने में ये सब कच्चा था। जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह तशरीफ लाए उस जमाने में ये कच्चा मैदान था, उसके अंदर उनकी कब्र थी। अब साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर कब्र होगी और वो भी कच्ची, 150 साल तक आपका मजार कच्चा रहा बिल्कुल भी, वहां कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो उसके नीचे टेम्पल कहां से आ गया भाई, पहली चीज। दूसरी चीज के जो महमूद खिलजी थे कहां के थे, ये लिखा हुआ पूरा मालवा के किंग मालवा, उन्होंने जब अजमेर पर कब्जा किया तो उन्होंने अपनी तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया उसके अंदर गरीब नवाज के खलीफा की दरगाह है नागौर शरीफ के अंदर, सूफी हमीदुद्दीन सुल्तान तारिक रहमतुल्लाह, उनके परपोते जो थे वो ख्वाजा हुसैन नागौरी नाम से जाने जाते थे, उनसे उस महमूद खिलजी की बहुत ज्यादा अकीदत थी। तो किसी फंक्शन के अंदर उनको उन्होंने खूब इनाम वगैरह दिए, तो उन्होंने उस पैसे को यहां ला करके ख्वाजा साहब का गुंबद बनाया, ये जो जिसको आप जन्नती दरवाजा कहते हैं वो बनाए और जो कच्चे मजार थे उसको पक्का किया। ये उस 150-200 साल के बाद में बनाए, ये 1961 सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है गजेंद्र गोलकर का, इसका कच्चा था। ये पूरे हिस्ट्री दी हुई है दरगाह की हिस्ट्री, जो एक्ट को चैलेंज किया गया था उसके अंदर ये पूरी हिस्ट्री दी हुई है कि क्या था वहां पर, क्या नहीं था, ये क्लियर कट मौजूद है। इसी तरह से जो दूसरा अभी फरवरी 2002 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जेपीसी बैठाई थी दरगाह के और अदर प्रॉपर्टीज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये क्लियर कट मौजूद है 20 दिसंबर 2002 को, ये राज्यसभा ये पटल पे रखी हुई है। इसके अंदर जो उन्होंने स्टोरी दी है दरगाह को लेकर के, ये पेज नंबर किसके ऊपर है, पेज नंबर 2 पे अजमेर दरगाह का ये दिया हुआ है। इसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है कि ख्वाजा का मजार कैसा था, वहां कोई टेम्पल था नहीं था, कुछ नहीं दिया हुआ।
ये जो नई कंट्रोवर्सी सिर्फ एक हरबिला शारदा साहब की किताब को लेकर के, एक वर्ड को लेकर के, क्या ट्रेडिशन सेज, अरे ट्रेडिशन सेज तो आप ये भी कह सकते हो, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ कि साहब यहाँ पर तो जो है महादेव का टेम्पल था, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, आपकी जबान के ऊपर ताला तो लगा नहीं सकता। लेकिन उसका फैक्चुअल पोजिशन जो है वो हमें देनी पड़ेगी। तो अब हमें जो जवाब देना है या नहीं देना, ये हमारे एडवोकेट्स का पैनल जो है वो हमें बताएगा और उसके बाद हम कोर्ट के अंदर उसका सही जवाब देंगे। लेकिन फैक्चुअल पोजिशन ये है। और इसके अलावा 1829 के अंदर जो अजमेर के अंदर यहाँ मदार गेट के बाहर एक राइट हैंड में मूर्ति के साथ एक कमंडर्सपुरा मार्केट है, तो ये कमंडर्सपुरा अजमेर मेवाड़ा के अंदर जो स्टेट कहलाती थी उसके अंदर कमांडर साहब कमिश्नर होकर के आए थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1829 के अंदर सबमिट की, उसके अंदर दरगाह की छोटी से छोटी बात को लेकर के, बड़ी सी बड़ी बात को लेकर के उन्होंने एक्सप्लेन किया है, सारी दरगाह की पिक्चर उन्होंने क्लियर की है। इसी तरह से कर्नल जेम्स प्रॉड, ये अजमेर मेवाड़ा के अंदर कमिश्नर होकर के आए, इन्होंने भी 1829 के अंदर अपनी किताब लिखी एनालिसिस ऑफ राजस्थान, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है दरगाह को लेकर के, इसके अंदर भी कहीं नहीं है। इसके अलावा और अदर इतनी हिस्टोरिकल बुक्स हैं पर्शियन के अंदर जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो चुका है, और इसके अलावा जो यूनाइटेड किंगडम है ऑक्सफोर्ड प्रेस की कई किताबें हैं, सूफीज्म इन इंडिया, सूफी श्राइन्स इन इंडिया, उसको लेकर के उन्होंने हर छोटे छोटे मजार को एक्सप्लेन किया है। और इसके अलावा 1716 की एक किताब है जिसको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका कहा जाता है, उसके अंदर दरगाह की हिस्ट्री है, फॉयल साहब के ऊपर डिटेल है, उसके अंदर कहीं हवाला नहीं है, ये गवर्नमेंट की बॉडी, तो आर्काइव्स का तो यहां से कोई लेना देना नहीं है, उसको खामा खा बनाया। और इससे पहले एक और प्रोसीजर है सीपीसी के अंदर, गवर्नमेंट बॉडी के ऊपर जो भी कोई केस किया जाता है उससे पहले उसको सेक्शन 80 का नोटिस देना पड़ता है 3 महीने का, कि ये फैक्चुअल पोजीशन है, मैं आपके खिलाफ ये फलाना दावा दायर करने जा रहा हूँ, आप या तो इसको क्लियर करो अपनी पोजीशन को, और नहीं हो कोई सेक्शन 80 का नोटिस किसी तीनों पार्टी में से किसी को नहीं दिया गया। प्लस जो ख्वाहिश साहब का वंशज है, जिनके बाप दादा की दरगाह है, वो मजार है, उसको पार्टी नहीं बनाया। आप किस कैपेसिटी में चले गए वहां पर, गवर्नमेंट की कैपेसिटी में, तो गवर्नमेंट जवाब देगी, गवर्नमेंट का ये रिपोर्ट है, गवर्नमेंट अपने लिखे से थूके को चाट नहीं सकती। जो उसने पोजीशन पहले क्लियर कर दी है इस स्थान को लेकर के, उसके अंदर आप क्या लिख के देगी भाई। मैं सारी बातों को लेकर के इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि द प्लेस ऑफ वर्शिप प्रिजर्वेशन एक्ट को जो खिलौना बना दिया गया है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई उसके किसी भी सेक्शन के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि वो इसको अमेंड करे, इसके अंदर ऐसे क्लोज लाए, ऐसे सेक्शन लाए कि जिससे इसके अंदर स्ट्रिक्टनेस पैदा हो, और ये जो खेल खेला जा रहा है बांटने का देश को, जनता के अंदर भ्रम पैदा किया जा रहा है, वो खत्म हो, ताकि हमारा देश जो है वो उन्नति के रास्ते पर गामजन हो सके। हम क्या कर रहे हैं, हमारी इन्हें जितने पॉलिटिशियन अलग अलग उससे जो बयान दे रहे हैं अलग अलग, किसी के बयान में जो है कहीं पे भी कोई अपील नहीं है, वो उधर से जहर उगला है, वो उधर से जहर उगला है, वो उधर से जहर उगला है, तीनों को क्या कर क्या रहे हो भाई। आप जब तक के एक जगह पर बैठ करके सारी बातों के ऊपर आपस में मिलकर के डिस्कशन नहीं करोगे, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और न निकलने वाला। आप पिछली अभी क्या हुआ जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में इंटरफेयर करना पड़ा। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ये अपील करता हूं कि वो सो मोटो एक्शन ले और उस
सेक्शन को जिसको ये कहते हैं कि साहब इसके अंदर जो है सर्वे का कोई वो नहीं है प्रोविजन, तो उस पोजीशन को क्लियर करें अपने स्टूडेंट्स के अंदर। और मैं अपील करूंगा कि देश के अंदर शांति अमन का माहौल, भाईचारे का माहौल बनाए रखें और ऐसा कोई काम अपनी तरफ से नहीं करें जिसकी वजह से नई कंट्रोवर्सी पैदा हो। धन्यवाद। आपकी तरफ से पक्षकार बनोगे आप? मैंने पहले कह दिया कि मेरे एडवोकेट्स का पैनल है, वो अगर मशवरा देंगे तुम बनो। उनका लुकआउट है, उनसे हमें क्या लेना। बींग ए स्पिरिचुअल हेड ऑफ दिस लाइन सज्जादा नकवी, अगर हमें पार्टी बनना उचित होगा हमारे एडवोकेट की ओपिनियन के अगर तो हम बनेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात अभी गवर्नमेंट की बॉडीज को पार्टी बनाया गया है तो वो रिप्लाई देंगे। और हमें अगर जरूर महसूस है कि नहीं है, अगर हमारा पक्ष सही रखा नहीं जा रहा दरगाह का, जैसी बात हम ख्वाहिश है कि वंशज से पार्टी तो बनना है, उसके लीगल एक्सपर्ट की ओपिनियन के बोलता हूं। मस्जिदों ये मोहन भागवत जी ने 2022 के अंदर जो बयान दिया है कि हम हर मस्जिद में कब तक शिवालय ढूंढते रहेंगे, कब तक ढूंढेंगे ऐसे लोगों के ऊपर, तो बैन लगना चाहिए। जो नई नई बातें नींद में सो रहे हैं, उठ के आ गए, किसी ने कह दिया वहां पर ये हो गया, आप चले आए, आपने दावा कर दिया, ये इससे क्या कोई हल निकल रहा है और नई कंट्रोवर्सियां पैदा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आप लोग कह रहे हैं कि बार बार इसको किया जाए, लेकिन अभी जो एक्ट है इसमें आप लोग को कहां कहां खामियां दिखाई देती है? खामियां कुछ भी नहीं, अगर उसके ऊपर सही इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो। देखिए खामियां कुछ भी नहीं है, अभी जैसे रिसेंटली देखने में आया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इंटरप्रिटेशन लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। अब जैसे उसमें कह रहे हैं कि सर्वे पे कहां रोक है, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी कमियां निकल गई और ऐसा रास्ता निकल गया जैसे बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके उसको बुनियाद बना के लोग सर्वे की एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी हम अपील कर रहे हैं कि वो भी सो मोटा एक्शन लेकर के इस पोजीशन को क्लियर करें। और भारत सरकार से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है कि आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं, एक साथ बैठे, ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं। आज इस दरगाह का नंबर है, कल किसी दूसरी दरगाह का नंबर, कल किसी तीसरे धार्मिक स्थल का नंबर आएगा, तो ऐसे लोगों को रोकना जरूरी है। सर्वे की परिस्थिति अगर बन जाती है ऐसी स्थिति में क्या किया जाना है? तो वो उस वक्त पढ़ के बताएंगे साहब, उन्होंने ऑर्डर क्या पास किया है, अभी एडवांस में कैसे बता दें, कोई कानूनी प्रक्रिया का जवाब कानूनी प्रक्रिया से दिया जाएगा। और देखो साहब, ये बयानबाजी जो लगातार हो रही है, जैसा कि आपने भी कहा जहर उबल रहे हैं, जल्दबाजी नहीं है 20 तारीख का इंतजार? ये जल्दबाजी भी है और बगैर सोचे समझे, बगैर पढ़े हुए, बगैर जानकारी में एक्चुअल पोजीशन दिए हुए आप बयान दे रहे हो। कल हमने बयान देखा उसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट ने मेरे तो है नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अगेंस्ट में जाके अपना सुखोवा चाट लेगी। कल हमने देखा एक माननीय मंत्री जी का बयान था, उनको ये नहीं मालूम कि ऑर्डर हुआ नहीं हुआ, वो कह रहे थे बगैर ऑफिशियल उनका स्टेटमेंट है मीडिया पे कि साहब सर्वे का ऑर्डर हो गया तो क्या ऐतराज, अरे कहां ऑर्डर हो गया, आप क्यों भ्रमित कर रहे हैं देश में, अभी कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, अभी सिर्फ कंसल्टिंग पार्टीज को नोटिस जारी किया है, न्यायालय ने सुनवाई हेतु नियत किया है, लेकिन जिम्मेदार पद पे बैठे हुए लोगों को मालूम ही नहीं नीचे ऑर्डर हुआ या नहीं हुआ, ये हमारा कहना है। इसलिए दीवान साहब को सामने बैठना पड़ा कि आवाम में गलत मैसेज ना जाए, क्योंकि हमारे पास कल से बहुत फोन आ रहे हैं कि सर्वे का ऑर्डर हो गया, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं हुआ अभी। अच्छा, विष्णु गुप्ता जो याचिका लगाया उसमें वो कह रहे हैं कि हम भी कई बार दरगाह के अंदर गए, हम भी वहाँ पे निशान देखे हिंदू मंदिर होने के, ये सब निराधार है, झूठे ऐसा है कि आप 24 घंटे जा सकते हो, दरगाह खुली भी